ये 10th क्लास का पहला चैप्टर में सलीफ में भी यूरोप को रिवाइज करा रहे हैं, उसी का सेक्शन 3 में जो टॉपिक है हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये टॉपिक है आज का। इसके अंतर्गत जानेंगे कि 1830 के डिकेड्स यूरोप के लिए एक ऐसा मुसीबत का समय था, ऐसा संकट का समय था, जिसके कारण जो है तो आने वाले समय में बहुत सारे यूरोप के देशों में जो है तो रिवॉल्ट होना शुरू हुआ। इसके क्या कारण थे, 1830 में ऐसा क्या हुआ? तो 1830 का डिकेड जो था, बल्कि उससे पहले ही 19th सेंचुरी में ही यूरोप का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा। बहुत ज्यादा यूरोप के पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो जॉब सीकर थे यानी नौकरी चाहने वाले लोग और अनएम्प्लॉयमेंट, इस दोनों के बीच गैप बढ़ता चला। जैसे जैसे जो है तो पॉपुलेशन बढ़ा, जॉब सीकर की संख्या जो है जो बढ़ती चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, गांव से लोग जो है शहर में इसलिए आते थे कि शहर में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम चल रहा था। यह वह पीरियड था कि यूरोप के बहुत सारे देशों में जब कभी बैड हार्वेस्ट होता था, फसल भागी जाती थी, फैमिन आ जाता था, तो प्राइस जो है जो फूड ग्रेन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और प्राइस फूड ग्रेन के बढ़ने के कारण जो है जो लोग और ज्यादा तो परेशानी में पड़ जाते थे, भुखमरी के शिकार होने लगते थे। इसी तरह यूरोप के उन इलाकों में जहां ऑटोक्रेसी मोनार्की अभी थी, अभी भी बनी हुई थी, और जो ऑटोक्रेसी क्लास के लोग थे यानी नोबिलिटी क्लास के जो लोग थे, उन लोगों के कारण जो है जो पीजेंट्स लोगों को बहुत ज्यादा फ्यूडल ड्यूज और फ्यूडल ऑब्लिगेशन को सहना पड़ता था, ये भी उनकी परेशानी का कारण था। यानी मतलब इसका यह हुआ कि लैंडलॉर्ड को बहुत तरह के टैक्स उनको देने पड़ते थे और ऐसा ही पीरियड 1848 में इसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप के बहुत सारे देशों में रिवॉल्ट होने शुरू हुए, जिसमें से पहला रिवॉल्ट फ्रांस में। फ्रांस में तो 1830 में भी रिवॉल्ट हुआ था, और उस रिवॉल्ट के बाद लुई फिलिप नाम के व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। लेकिन 1848 में परेशान लोगों ने जो है तो सड़कों पर बैरिकेड लगाना शुरू किया, और लुई फिलिप नाम के इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को फ्रांस छोड़ करके भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद घबराहट में नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट जो फ्रांस की थी, उसने जो है दो तीन कदम उठाए कि सभी 21 ईयर्स और से अधिक एज ग्रुप के जितने भी लोग थे मेल, उन सभी को जो है राइट टू वोट दिया। दूसरा वर्क की गारंटी दी, यानी सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी गवर्नमेंट ने दी। और तीसरा नेशनल वर्कशॉप खोले गए, यानी सरकार की ओर से कारखाने खोले गए जिसमें कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इस तरह फ्रांस में जो है तो ये रिवोल्यूशन 1848 का हुआ, और फ्रांस ने एक रिपब्लिक की स्थापना की है, फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। 1830 के डिकेड की हालत क्या थी, उसका एक उदाहरण तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है साइलेसिया। ये साइलेसिया तो जर्मनी में पड़ता है। 1845 में कि 4 जून को यहाँ एक बड़ी घटना है, विलियम उन ने एक जो है तो जो राइटर थे उन्होंने उसके बारे में लिखा कि साइलेसिया के इस गांव में 18,000 लोग रहते थे, जिसमें मोस्टली वीवर थे, जुलाहे थे, ये कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन जॉब सीकर ज्यादा थे और जॉब कम था। इसके कारण जो कॉन्ट्रेक्टर थे जो कपड़ा उनसे बनवाते थे रॉ मटेरियल लेकर के फिनिश गुड, वे जो है तो उनका जो पेमेंट था उसको बड़ा रिड्यूस कर दिया, यानी उनकी मजदूरी बहुत कम कर दी। नाराज होकर के वीवर 4 जून को एक मार्च निकाला और उनके महल पर कॉन्ट्रेक्टर के पहुंचा, और वो कॉन्ट्रेक्टर को अपना पेमेंट इंक्रीज करने, वेज इंक्रीज करने के लिए दबाव डाला,
लेकिन उनको कॉन्ट्रेक्टर उनके साथ बड़ा ही ह्यूमिलेटिंग व्यवहार किया, बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया। नतीजा यह हुआ कि वे लोग विद्रोह कर दिए, उसके घर में तोड़फोड़ कर दिए, उसके गोदाम के माल सब लूट लिए, उसको भाग करके दूसरे गांव जाना पड़ा जहां उसकी उसको कोई शरण देने वाला नहीं था। पुलिस आई, गोलीबारी हुई जिसमें 11 लोग मारे गए। तो इसी तरह की घटनाएं ये लोग जहां तहां घट रही। अगले क्लास में अगला टॉपिक।